guys, welcome back to my channel. It's Kiss for Finland World. As you can see, I'm ready, and there's a surprise about why I'm getting ready. अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और ये है वीकेंड व्लॉग। थर्सडे मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था मैंने। फैजान का नाश्ता हो गया था, वो ऑफिस चले गए थे, फिर बच्चे उठे, मैंने उन्हें नाश्ता कराया, फ्रेश कराया और उन्हें पढ़ने बिठा दिया था दोनों को। रूम की सफाई मैंने कर ली थी और जो है पूरा रूम क्लीन अप कर दिया था। तो बस मैंने सोचा बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा लूँ, पढ़ाने के बाद जो है फिर मैं अपने दूसरे काम देखूँगी। और मैं कहाँ बिज़ी थी इतने दिन से, मैं जो हूँ किसी मसरूफियत में हूँ, इस वजह से 4 से 5 दिन हो गए तो मैं जो हूँ रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। कहाँ मसरूफ़ हूँ और किन चीज़ों में बिज़ी हूँ, तो ये तो जो है वो वक्त के साथ साथ आपको आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह पता चल ही जाएगा। पहले से रिवील करने का क्या फ़ायदा, चीज़ें टाइम के साथ ही अच्छी लगती हैं। और ये रात को मैंने बनाया था चनों का सालन, तो बस उसी के साथ पराठे बना लिए थे। और ये किस्वा आयरा का और मेरा जो है वो लंच हो गया था, रात में बनाया था तो इतना था कि जो है हम दोपहर में भी आराम से जो है वो इसको लंच में यूज़ कर लें। ऐसे ही होता है, मैं इसी तरीके से करती हूँ। फैजान लंच ले जाते हैं, लेकिन आज थर्सडे था तो उन्हें लंच ही लेके जाना था, तो बस ये हमारा हो गया था। यहाँ पर जो है वो किस्वा आयरा खेल रही थी। You guys know what a compartment is? Tell us in the comment box which side you like better. Baba's side is mine and Mama's side is Alan. Tell whose side is the best. Like, share, tick 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 tick. Let's go. Yeah, let's go. Right and down is go. I'll get back Bandolo in the comments. Hello. और जी ये था फ्राइडे का दिन। नाश्ता वगैरह मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, हमने वही कबाब, अंडा, पराठा, यही सब कुछ खाया था। मैंने कहा क्या रिकॉर्ड करूँ एक ही चीज़ को बार बार। तो बस जो है बच्चे फ्रेश वगैरह हो गए थे और फिर मैंने उन्हें पढ़ने बिठा दिया था। फैजान भी घर पे ही थे और जो है वो साथ बैठे हुए थे। मैं किस्वा को पढ़ा रही थी और फैजान आयरा को देख रहे थे बस। और यहाँ पर किस्वा की जो एक बुक थी वो जो है उसकी बाइंडिंग खुल रही थी, तो मैंने फैजान को कहा था प्लीज़ इसे बाइंड कर दीजिए क्योंकि मैं उसे काम नहीं करा पा रही हूँ, क्योंकि एक एक पेज अलग हो जाएगा तो फिर पूरी बुक ख़राब हो जाएगी। तो बस वो बाइंड कर रहे थे और मैं किस्वा को पढ़ा रही थी। A can and a tin. Can? A can. Spell again. Spell. C. No. Ah. After a. After a. C. A. Read again. Read again. From the starting. Read again. A. T. I. N. Ha. A tin. And a. And a can. Very good. See, why are you just making, you're making me just, why are you acting like that I'm reading wrong? Because you read wrong. Why? Go to next. A doll. Huh? Together. A doll and a shop. Very good.
बस ये फ्राइडे इवनिंग थी और हमें जो है वो किसी ज़रूरी काम से जाना था। मैंने जैसे कि बताया कि मैं अभी रिवील नहीं करूँगी जब तक सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो जाती, तो मैं इस तरह रिवील नहीं करूँगी। आगे इंशाल्लाह व्लॉग्स में आपको पता चल ही जाएगा। और वहाँ भी जाकर मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, तो हमें थोड़ा जल्दी निकलना था, तो हम तकरीबन निकले थे 5 बजे के करीब, और जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर में हमें देरी हो गई थी। और जो है हम निकले तो हल्की हल्की सी रोशनी थी, असर के बाद का टाइम था ये। तो मैं जब इस तरह शाम के वक्त बाहर निकलती हूँ तो यहाँ पर एक शॉप है करीब में अजीज़िया में, तो वहाँ पर पकोड़े और चाय बहुत अच्छे मिलते हैं। वो मिर्चों के पकोड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस मैं सोच कर ही निकली थी। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा था। बस वही घर के अंदर ना धूप आती है ना रोशनी आती है तो पता ही नहीं चलता, एकदम से बाहर निकलो तो इतनी फ़्रेश फीलिंग आती है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे होते हो। बस जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, हमने शाम की चाय घर से नहीं पी थी, तो मैंने फैजान से कहा, फैजान ने कहा चलो चलते, मैंने कहा नहीं पहले चाय पीनी है। कहने लगे मुझे पता था तुम यही कहोगी कि चाय पीते हुए चलते यार। अच्छा चलो ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैंने कहा बस थोड़ी देर की तो बात है, बस आप लेंगे, हम चाय वाय पियेंगे और फिर निकल जाएंगे। कहने लगे बस तुम्हें बाहर शाम में ज़रा जल्दी निकलो तो तुम्हें यही होता है। मैंने कहा हाँ मुझे चाय अच्छी लगती है, और फिर शाम अगर इतना आप जल्दी जल्दी कर रहे थे वरना मैं घर में बना लेती। खैर हम चले गए थे चाय पीने और हमने वहाँ खाए थे पकौड़े भी, जो मैं आपको भी आगे दिखा रही हूँ। Hello guys, welcome back to my channel. It's Kisa Fernand World. As you can see, I'm ready. And there's a surprise about why I'm getting ready. As I'm going somewhere, you will see why. And you'll be confused the shop I'm going, because you all know that I go to Lulu, Five Riyal and Toy Stores and these type of stuff. But it's a special day. We are going somewhere and it's so exciting, and you will get excited as you see the shop. Tell something. I don't know what to say. Okay, say hello guys. Say hello guys. What we are eating? What we are eating? Ira, tell what we are eating. किस फायरा की बातें आपने सुन ली। और आफ्टर पकोड़ा ईटिंग चाय इज़ मस्ट, और ये चाय इतने मज़े की होती है। तो बस फैजान ने चाय पी ली थी और मैंने कहा आप ड्राइव कर लें, बस ये है कि मैं अपनी जो है वो चाय लेकर ही चलूँगी। बस फिर हम वहाँ से निकले और कुछ भूल गई थी मैं घर में, तो फैजान वापस घर आए जल्दी से लेने के लिए। बस हमने वो लिया और फिर हम निकल गए थे जहाँ हमें दूसरी बाज़ार जाना था। और ये हम आ गए थे पेट शॉप, वहीं पर जहाँ हम गए थे वहीं पर पेट शॉप थी जिस मार्केट हम गए थे। तो किस वायरा को पेट्स देखने थे, तो फैजान को मैंने कहा आप ले जाएं। गई तो मैं भी अंदर थी, लेकिन जो है वो इतनी स्मेल थी। मैं बिल्कुल भी पेट लवर नहीं हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मैंने कहा नहीं भाई मैं अंदर नहीं आ सकती, आप ले जाएं और मेरे लिए वीडियो भी बना दीजिएगा। तो बस फिर फैजान चले गए थे अंदर किस वायरा को ले के, देख के इतनी खुश हो गई थी। तो वो यही कह रही थी मम्मा पेट रख लेते, मैंने कहा नहीं बेटा यहाँ तो बंद बंद घर हैं, बिल्कुल स्मेल हो जाएगी, हम पेट नहीं रख सकते। खैर बच्चे देख कर एंजॉय करके जो है वो खुश होकर ही वापस आ गई थी वो दोनों। और पेट तो फैजान को भी बहुत पसंद है, वो देखकर आ रहे थे मुझे बता रहे थे इतने अच्छे अच्छे जो है वो तोते रखे हुए हैं, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ नस्लों के वो नाम दे रहे थे और इतने एक्सपेंसिव भी हैं। तो मैंने कहा यार हमें क्या करना है, हम तो रख नहीं सकते ना। खैर वो उनका ये है कि उन्हें पसंद है, तो वो बस मुझे इसलिए बता रहे थे।
अब आती हूँ मैं हिंदी मूवी बना के लाती हूँ। मैंने देखा तो काफ़ी अच्छे जो है वो कलरफुल पैंट्स थे, तो एक एक जोड़ी भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव थी। उसके बाद आ जाती है खाने की बारी, और फैज़ान का बिल्कुल भी फास्ट फूड का मूड नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम रेड चिली जाएंगे, वहाँ पे ढाबा खुल चुका है तो हम रोटी सालन टाइप की कोई चीज़ खाएंगे। तो हम यहाँ आए तो मैंने हलीम प्रेफर की और उन्होंने सीख कबाब वगैरह मंगाए थे। बच्चों के लिए हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मैंने कहा पता नहीं हलीम कैसी होगी, स्पाइसी होगी, बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन हलीम अच्छी थी, बच्चों ने वो भी खाई थी और पिज़्ज़ा भी खा लिया था। तो खैर यहाँ तक की थी भाई मेरी वीडियो, और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी बहुत जल्दी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।